हेलन केलर का एक बहुत ही फेमस कोट है, जब हमारे लिए कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुल जाता है, पर हम बहुत ही लंबे समय तक उसी बंद दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हमें जहाँ से पता होता है एक ही सोर्स की, हमें वहीं से मदद मिल सकती है, तो हम उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि कोई दूसरा सोर्स भी हो सकता है हमारे उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को हल करने के लिए। लेकिन हम लंबे समय तक, बहुत देर तक एक ही सोर्स की तरफ देखते रहते हैं। इसी कोट को आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके बहुत चीज़ें सीख सकते हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है। एक मूवी आई है शैतान, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। उस मूवी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आपको उसकी तीन सबसे मेन लर्निंग है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और जो कोट बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको भी उससे रिलेट करके बताऊंगा। आप उस मूवी से सबसे पहली लर्निंग ये ले सकते हो कि कोई भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो हम इस प्रॉब्लम को लेके एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, एक ही वे में सोचते हैं, दूसरे तरीके से हम नहीं सोचते हैं। जैसे आप उस मूवी में ही, जिन्होंने देखी होगी शैतान मूवी जो अभी रिसेंटली आई है, उसमें जो जाह्नवी होती है वो जब वनराज के वश में आ जाती है, उसके वशीकरण में आ जाती है, तो हम पूरी मूवी में देखते हैं कि हमें कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा होता कि वो जो जाह्नवी है उसके वशीकरण से बाहर निकल सके। अगर कबीर जो होता है, जो फिल्म का एक तरह से हीरो मान सकते हो आप उसे, जो कबीर होता है, अगर वो वनराज को मार भी देता तो उसकी जो बेटी होती है जाह्नवी, फिर भी वो उसके ही वश में रहती, वो बिल्कुल एक तरह खिलौने की तरह हो जाती। जैसा उस वो कह के मरेगा जो वनराज होता है, जैसा उसने आदेश दिया होगा जाह्नवी को, वो वैसा ही करती रहेगी जिंदगी भर। जब तक हम इस मूवी के एंड में नहीं पहुंचते, तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। लेकिन आपको पता है कि हर प्रॉब्लम का दूसरा तरीका जरूर होता है, हमें अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को शायद डील करनी चाहिए। इसी से हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जो अगली लर्निंग है। दूसरी हमारे सबसे बड़ी लर्निंग ये मिलती है इस मूवी से कि हमारे ब्रेन की पावर सबसे तेज है। आप फिजिकल पावर आपकी कितनी भी हो, लेकिन आपके ब्रेन की पावर अगर तेज है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे आप उस मूवी में देखो, उसने कितनी फिजिकल पावर लगाई उसको मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसे मार देता तो उसकी बेटी एक तरह से खिलौना बन के रह जाती। इसलिए जो कबीर था, उसने अपने दिमाग का पावर को यूज़ किया, दिमाग का अपना यूज़ किया, इस्तेमाल करा, उसने अपनी ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करा, और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके इतनी सारी लड़कियों को मूवी के एंड में आपने देखा होगा कि उसने आज़ाद कर दिया। इसलिए आप अपनी ब्रेन की पावर का यूज़ करो, अपने ब्रेन को क्रिएटिव बनाओ, सोचने पर मजबूर करो, अलग अलग तरीके से सोचो, अलग अलग डायरेक्शन में सोचो, जिससे आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग होगी, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सोच पाएगा और आसानी से किसी भी चीज़ का समाधान निकाल पाएगा। उस मूवी की तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि जो आपके माँ बाप होते हैं उनसे बड़ा कोई वॉरियर नहीं होता। आपने पूरी मूवी देखा होगा, जो कबीर होता है वो अपनी बेटी के लिए लड़ते रहता है, उसे आखिरी तक उसे अपनी बेटी को बचा के लाता है। इसलिए आप अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझो, अंडरस्टैंड करो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उन्हें अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, हमेशा चाहते हैं कि आप तरक्की करो अपनी ज़िंदगी में। वो जितना कर सकते थे उन्होंने आपके लिए करा और करते भी रहते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करो, और जिन्होंने इस मूवी को देख लिया है उनको और भी कोई लर्निंग मिली हो, और भी कुछ सीखने को मिला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करो, ताकि और लोग भी जान सकें, मैं भी जान सकूं कि आपको और क्या सीखने को मिला इस मूवी में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।